टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैलोट्रोपिस पॉइजनिंग। देखिए, कैलोट्रोपिस को जो है मदार भी कहा जाता है, आंख भी कहा जाता है, और आपका जो है आखा भी इसको कहते हैं, आम जबान में गांव के लोग जो इसको आखा कहते हैं। और ये मैं आपको इसका प्लांट दिखा रहा हूं कि ये है आपका कैलोट्रोपिस का प्लांट। ये कैलोट्रोपिस का प्लांट जो है, इसकी दो वैरायटी जो है वो आपका देखने को मिलती है। एक होती है आपका पर्पल कलर्ड, इसके ऊपर फ्लावर होते हैं, और एक होती है जिसके ऊपर जो है व्हाइट कलर जो है वो आपका फ्लावर होते हैं। इसके तमाम पार्ट्स जो है आपका, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे लीव्स हो, चाहे स्टेम हो या रूट हो इसके या फ्रूट हो, इसके सभी पार्ट जो है वो आपका पॉइजनस होते हैं। और जब हम इसकी पत्ती को या तो इंसाइज करें या क्रश करें, तो ये यहां से आप देखेंगे, हम इसकी इसको क्रश करते हैं तो इसमें व्हाइट कलर का मिल्क जैसा सब्सटेंस जो है वो आपका रिलीज होता है, जो कि बहुत तीखा होता है, बहुत कड़वा होता है। तो इसकी चाहे आप पत्ती को क्रश कर दें या किसी को कर दें, उसमें से सब जगह से यही आपका बिल्कुल व्हाइट कलर का जो है वो पार्ट जो है, यानी कि इसमें से मिक्सचर एक जूस की शक्ल में व्हाइट कलर का दूध की तरह का इसमें से सब्सटेंस मिलता है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कैलोट्रोपिस पॉइजनिंग। अभी हमने आपको इसका ओरिजिनल प्लांट दिखाया। कैलोट्रोपिस को मिल्क वीड भी कहा जाता है, कैलोट्रोपिस को मिल्क वीड भी कहा जाता है। आम जबान में इसको मदार, आंख या आखा या जहर नाक भी इसको कहते हैं। मैं एक बार फिर आपको नजदीक से दिखा देता हूं कि ये आपका मदार का प्लांट है। मदार का प्लांट जो है, देखिए, आपका 2 फुट से लेकर 10-12 फुट तक भी ये हो सकता है, और इसके तमाम पार्ट्स जो है आपका, तमाम पार्ट्स, चाहे वो लीव्स हो या स्टेम हो या रूट हो या फ्लावर हो या इसका फ्रूट हो, ये सभी पार्ट जो है इसके पॉइजनस होते हैं। लेकिन जो आपका स्टेम और रूट है वो सबसे ज्यादा जो है आपका पॉइजनस होता है। यानी कि इस तरह से इसमें एक बात और होती है कि इसकी आप पत्ती को यानी कि लीव को अगर इस तरह से क्रश करते हैं, तो देखिए क्रश करेंगे, इसमें से आपका मिल्क की तरह के कड़वा बहुत तीखा एक्रिड मिल्क जो है सब्सटेंस जो है वो इससे रिलीज होता है। या इसकी हम ये देखिए, हमने ये इसको लीव को तोड़ा तो यहां से आपका ये व्हाइट मिल्क जैसा सब्सटेंस जो है इसमें से रिलीज हो रहा है। या इसके स्टेम को, ये आपका इसके जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं, पॉइजनस कंपोनेंट्स जो होते हैं, टॉक्सिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, वो आपका ऑस्ट्रेलियन कैलोटॉक्सिन, कैलोट्रोपिन, ये तो 3 मेन जो है आपका टॉक्सिक कंपोनेंट होते हैं। और इससे साइन सिम्टम्स क्या अपियर होंगे, वो नंबर 1 जो है आपका बर्निंग पेन इन थ्रॉट स्टोमक। देखिए, चूंकि ये आपका इरिटेंट पॉइजन है वेजिटेबल कैटेगरी का, इरिटेंट पॉइजन होता है वेजिटेबल कैटेगरी का, तो इरिटेशन इसका मेन साइन है। तो ये भी आपका क्या करेगा, बर्निंग पेन इन थ्रॉट एंड स्टोमक, थ्रॉट और स्टोमक के अंदर जो है वो आपका बर्निंग पेन यानी कि तेज दर्द जो है वो आपका महसूस होगा, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। पहले जो है आपका नोजिया होगा यानी कि उल्टी करने का मन करेगा, वॉमिट करने का मन करेगा, फिर उसके बाद वॉमिट हो जाएगी और फिर जो है आपका डायरिया जो है उस पेशेंट को शुरू हो जाते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका सैलाइवेशन, इसके लेने के बाद जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो इरिटेट हो जाती है और बहुत ज्यादा जो है एक्साइट होकर यानी कि अपना फंक्शन इंक्रीज कर देती है, तो बहुत ज्यादा सलाइवा मुंह के अंदर से लार जो है वो आपका आने लगती है। स्टोमेटाइटिस, क्योंकि ये आपका इरिटेंट है तो मुंह के अंदर जो है क्या करेगा, यहां पर छाले वगैरह पड़ जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वहां की लिजेंड हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटाइटिस, यानी कि मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं। आपका प्यूपिल जो है इंसान की डायलेट हो जाती है, और आपका टिटेनिक कन्वर्जेंस, टिटेनिक कन्वर्जेंस जो है उसमें अपेयर होते हैं। डेलीरियम, डेलीरियम कहते हैं माइंड जो है इंसान का कंफ्यूज हो जाता है, वो आसपास की चीजों में फर्क नहीं कर पाता है, यानी कि एक वहम सा हो जाता है उसको, जिसकी वजह से आपका ये सीरियस इलनेस जो है वो आपका महसूस होती है, यानी कि जो रिड्यूस करता है अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स को, रिड्यूस करता है क्या, तो ये आपका साइंस एंड सिम्टम्स जो है इसमें देखने को मिलते हैं। फेटल डोज,
फेटल डोज देखिए इसकी कोई निश्चित नहीं है, अनसर्टेन है, थोड़ी सी भी बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है और ज्यादा तो नुकसान पहुंचाएगी ही। तो इसकी जो फेटल डोज है वो अनसर्टेन है। फेटल पीरियड जो है इसका होता है यानी कि खतरनाक मुद्दत जो इसकी होती है वो तकरीबन 12 आवर्स जो है इसकी आपका फेटल पीरियड होता है इसका। देखिए ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में हम देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लेवेज करते हैं यानी कि स्टोमक वॉश करते हैं या तो हल्के गर्म पानी से या फिर जो है सोल्यूशन ऑफ द KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन से, जिसमें एक पार्ट जो है आपका KMnO4 का 5000 पार्ट जो है आपका वाटर के, यानी कि पानी और KMnO4 एक पार्ट KMnO4 का और 5000 पार्ट जो है आपका वाटर के होंगे, तो उसको मिक्सअप करके हम जो है स्टोमक वॉश जो है वो विक्टिम का करते हैं। नंबर दो डिमलसेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, डिमलसेंट्स जैसे मिल्क है बटर है वो विक्टिम को दे दिया जाता है ताकि जो है वो अंदर कोटिंग कर दे और जो म्यूकस मेम्ब्रेन को किसी भी इरिटेशन से रिलीव कराए, यानी कि वहां पर उसका कोई ज्यादा नुकसान ना होने दे, तो इसलिए हम जो है वहां पर डिमलसेंट का इस्तेमाल भी करते हैं। पेन अगर उसको हो रहा है तो वहां पर जो है हम मॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं, मॉर्फिन इंजेक्शन के तौर पर जो है उसको दे सकते हैं। अदर्स जो है आपका जो सिम्टम्स जाहिर हो रहे हैं, अदर जो है ट्रीटमेंट क्या होगा सिम्टोमेटिक होगा, जो भी सिम्टम्स जो है उसमें जाहिर हो रहे हैं उन सिम्टम्स का जो है हम इलाज करेंगे। पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस यानी कि पोस्टमार्टम में हमें किस तरह के साइन सिम्टम्स जो है आपका दिखाई देंगे, किस तरह की निशानियां हमें दिखाई देंगी, तो उसमें क्या है सबसे पहले आपका फ्रोथ और एट नोस्ट्रिल्स, नाक से जो है आपका नोस्ट्रिल्स से झाग बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, डायलेटेड प्यूपिल्स, प्यूपिल जो है वो आपका डायलेट होगी, और एक्यूट इंफ्लामेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट की जो खासतौर से म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो है आपका इंफ्लामेशन होगी और स्टोमक जो है वो एक्यूट अल्सर शो करेगा, यानी कि स्टोमक की वाल पर जो है आपका एक्यूट अल्सर होंगे या परफोरेशन जो है वो देखने को मिलेगा। नंबर 5 ब्रेन एंड इट्स मेनिंजीज आर कंजेस्टेड, यानी कि ब्रेन और उसके ऊपर जो कवरिंग होती है जिसको हम मेनिंजीज कहते हैं वो कंजेस्टेड होगी। मेनिंजीज जो है देखिए आपका ये ट्राई लेयर्ड कवरिंग होती है जिसमें 3 लेयर्स होती हैं, ड्यूरा मैटर, रेटिनॉइड मैटर एंड पिया मैटर, तो एक कवरिंग होती है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, तो वहां पर जो है आपका ब्रेन में भी और मेनिंजीज में भी जो है कंजेशन मिलेगा। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स देखिए मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में नंबर 1 पर आता है इन्फेंटिसाइड बाय मिक्सिंग इट मिल्क और वाटर। इन्फेंट कहते हैं जो अभी बच्चा पैदा हुआ है तो उसको हम इन्फेंट का नाम देते हैं। इन्फेंटिसाइड के लिए, इन्फेंटिसाइड के लिए इसका थोड़ा सा मिल्क या थोड़ा सा पाउडर या तो बच्चे के दूध में या पानी में मिलाकर बच्चे को दे देते हैं तो उससे बच्चे की मौत हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं इन्फेंटिसाइड। यानी कि इन्फेंटिसाइड में ये इस्तेमाल होता है किस तरह से, मिक्सिंग इट विद मिल्क और वाटर। नंबर 2 एबोर्टिफिशियंट, इसकी स्टेम को, इसकी स्टेम को एबोर्टिफिशियंट के तौर पे वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो उससे जो है बाद में ये आपका एबोर्शन हो जाता है। कैटिल पॉइजनिंग, कैटिल पॉइजनिंग जो है आपका जानवरों को मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कैटिल पॉइजनिंग जिसको हम कहते हैं। इससे क्या होता है या तो इसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं एनल कैनाल यानी कि रेक्टम ऑफ द एनिमल में, एनिमल के रेक्टम में इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं या फिर जो है उसके खाने में, चारे में, फॉडर में जो है उसको मिला के आपका कैटिल को या जानवरों को दे दिया जाता है तो उससे जानवरों की मौत हो सकती है। आर्टिफिशियल ब्रूराइज, कुछ जो है फकीर लोग, बेगर लोग जो है वो इसका जूस निकाल के उसको स्किन पर अप्लाई कर देते हैं, तो स्किन पर अप्लाई करते हैं तो इरिटेशन पैदा करता है, इरिटेशन पैदा करके वहां पर जो है ये ब्रूराइज या कंट्यूजन जैसा निशान जो है वो अपीयर कर देता है, तो कुछ बेगर्स लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति मिले और वो उनको पैसा ज्यादा से ज्यादा दे, तो कुछ जगहों पर बेगर्स इसका इस्तेमाल करते हैं या कुछ लोग जो है आप किसी दूसरे को फंसाने के लिए अपने ऊपर केमिकल लगा के इस तरह का या इसका जूस लगा के वहां पर ब्रूराइज की वो कर दिया और उस बाद में कंप्लेंट कर देते हैं कि मेरे साथ इन्होंने मारपीट की है, तो
वो जो है आर्टिफिशियल ब्रूराइज होता है, वो फिर डॉक्टर जो है देख के अंदाजा लगा सकता है कि ये ब्रूराइज एक्चुअल है या बनाया गया है। तो ये जो है आपका, कुछ लोग जो है आर्टिफिशियल ब्रूराइज अप्लाई करके इसको जो है बनाने की कोशिश करते हैं। एरोपोइजन्स, एरोपोइजन्स कहते हैं जो हंटर लोग होते हैं, शिकारी लोग होते हैं, वो तीर के आगे इसका लोशन या ये मिल्क जो है तीर की नोक पर लगाकर उससे शिकार करते हैं, तो शिकार को जब लगेगा तो वो पॉइजनस होगा, तो उससे जो है जो भी जिसका भी शिकार कर रहे हैं उसकी डेथ हो जाएगी या वो मरने की हालत हो जाएगा। तो शिकारी लोग जो है इसको इस तरह से भी एरो पॉइजन के तौर पर जो है इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिनल यूज, देखिए जहां ये पॉइजन है उसके साथ साथ ये मेडिसिन भी है, और बहुत सारे मर्ज में, बहुत सारे डिजीज में जो है आपका काम आती है, जैसे आर्थराइटिस के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, एस्थमा के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कफ के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, गाउट के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ज्वाइंट पेन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ईयर एक के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, डीफनेस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेप्रोसी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पाइल्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वेज में इसका मेडिसिनल तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आपका कैलोट्रोपिस पॉइजनिंग या मिल्कवीड पॉइजनिंग, मदार आग जिसको कहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।